बाकी जे एक बे किसे दोष तो बिना किसे दे ऊपर कोई जुल्म हुंदा तो नहीं भुलदा ते सार संगत हुण सानू ए जुल्म किवें भुल जाए जिहड़ा साडे ऊपर होया असीं ते सदियां तो सुणदे आ रहे असीं किवें भुल जाए ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਹੈ ਹਮ ਅਹਮ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਤੁਮ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੋ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अगर पूरे तालाब नू एक मच्छी खराब करती है तो की हल करना चाहिए जवाब हुंदा सी जो मच्छी नू कढ़ के बाहर छोड़ दे दूजी एक चीज पढ़ाई जाती थी कि सेबां की टोकरी एक गलिया हुआ सेब रख दिता जाए तो सारे सेबां नूं खराब करता है फिर उन्होंने बचाने वास्ते की किया जाए वो कहते होंगे गलिया हुआ सेब बाहर कढ़ के सुटते हो हम अगला ध्यान तुम लेके आओ सिख जगत की अरदास रोजाना दुनिया के किसी भी कोने खिते घर गुरु घर चुनिया की समाप्ति होंगी है नानक नाम चढ़ी कला तेरे भाणे सरबत कथा मेरे कहने तो भाव साहब संगत के जो मरजीवड़े ने कौमी हीरे ने सरबत के भले ने कार्य करते हुए अब इस देश दिया जेलों के बैठे ने इन्होंने तालाब गंदा होने तो बचा लिया सेबां की टोकरी गलण तो बचा ली इन्होंने गलिया हुआ सेब भी बाहर छुटिया इन्होंने गली सड़ी मच्छी भी बाहर छुटी जी पूरे तालाब को खराब करने के रौंद में पूरी फिर गई बेशक इन्होंने अपना खून रोलिया अपनिया कुर्बानियां कीतिया अपनिया जवानियां पाउंदे लेके लगतियां ध्यान में रखियो गल्लां करनियां बहुत सौखियां होंदियां ने पर अपना जिंदगी अपना समुचा जीवन कौम समाज देश धर्म दे लेखे ला देना यह बड़ा कठिन है बहुत मुश्किलां दे लेखे अज असीं जे बैठे हाँ दूजी बेनती होर ध्यान में रखियो गुरबाणी के मुताबिक हर दुख साडा दारू बनता है दुख दारू ये बेशक बड़ा वाला दुख है पर और वाले समय च कौम लई पनीरी लई दारू बनता है अज दी अजोकी नौजवान पनीरी जिन्हों नहीं पता जिन्हें इतिहास से केवल वर के पड़े सन कि किवें साडी कौम कुर्बानियां करदी सी किवें सिख बदला लैंदे सन किवें कौम ते चढ़ के आया नूं जवाब दिता जांदा सी ओह केवल किताबां विच सी पर अज ऐसा समा बन गया मालिक ने मेहनत की अज कौम के सामने प्रैक्टिकल रूप में सारा कुछ आ गया अगर कौम के सिर पर कोई पाजी चढ़ दे कौम को फिर इक्की अंक करके देके तार में भी जाने मैं बेनती करा समा बहुत कीमती भी है सीमित भी है एक ध्यान अगर साडा समाज इस चीज वाल दे रहे अपन लोग तो शायद इतना तक नौबत ना पहुंचे ਨਸ਼ੇਰਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੁਝਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਉਸਤਾਦ ਧਰਮੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਬੜਾ ਨਿਗਾਹ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ कमाल की गल राजे का पुत्र पहले दिन पढ़ना है ते जो पढ़ना है उस उस्ताद नूं दे कन्न ते वट के चपेड़ मारी कहिंदा उत्थे जा के बैठ राजे का पुत्र होवे ते बिना किसे कसूर तों चपेड़ वजे उह सारा दिन बैठ के सोचदा रहे मेरे चपेड़ क्यों वजी क्यों वजी क्यों वजी गुस्से दे विच भरिया पिता घर चला गया अगले दिन फिर आया उहदी पढ़ाई शुरू हो गई दो साल निपड़े ਸ਼ਬਦੀ ਰਾਜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ
उस्ताद मेरा सब तो पहला तो मैं रब का शुक्र करता भी आ दिन मेरी ते तेरी जिंदगी च आ गया। मैं उड़ीकता सा भी ये दिन आवे तू सही सलामत रहे। कहना बेटा तू राजे का पुत्र सी ते सुभावी कह आने वाले समय चो तो बाद तू राजा बनना सी। कहना मैं अपने रब अगे फरियाद करता सी ते जिस दिन तुम तख्त नशीन होवे तू गद्दी ते बैठे राजभार संभाले उस दिन मैं जिंदा होवां ते मैं उस दिन तेरे सामने होवां। वो कहता तू मैनू ये दस तू मेरे चपेड़ क्यों आए। कहना मैं तेरी गल का जवाब नहीं दे लगा। कहता मैंने यकीन सी तू राजभार सामने तू तख्त ते बैठा है। ते कहता बेटा हुण एक गल सोच तेरे इक चपेड़ बजी सी बिना किसी कसूर तो तेनू अज दो तीन साल हो गए तेनू नहीं भुली। कहना बिल्कुल नहीं भुली। कहता तू राजा बनना है राजे का फर्ज हुंदा प्रजा की संभाल करनी प्रजा की देखभाल करनी प्रजा के विच मावां दे पुत वांगू विचरना भैणां दे भरा बन के विचरना। जे राजा किसी नाल बेइंसाफी करेगा किसी नाल लुट करेगा किसी नाल धोखा धक्का करेगा कहना उस सोच के वे तेनों एक चपेड़ नहीं भुली तेरे मन च मेरे प्रति किनिया गल्लां होणगियां। जे तू अज राज ते बैठ के बेइंसाफी करेगा इंसाफ नहीं करेगा लोकां दे मन च तेरे लिए किनिया बदौलां होणगियां। वो गल समझ गया सारी गल समझ गया। कहना मेरी गल समझ आ गई। कहना चपेड़ दे असल विचों मेरा पहला लैसन सी। उन्हें गल समझी उस्ताद ने तेरी हथ ला के तू मैनूं बहुत चंगी सिक्ख्या दित्ती है। वाकई जे एक बे किसे दोष तो बिना किसे दे उपर कोई जुल्म हुंदा तो नहीं भुलदा ते सार संगत हुण सानूं इह जुल्म किवें भुलदा जिहड़ा साडे उपर होया। असीं ते सदियां तो सहिंदे आ रहे असीं किवें भुल जाईए। सानूं कहिंदे कि तुसीं मोर्चे ना लाओ तुसीं प्रदर्शन ना करो तुसीं आह ना करो तुसीं ओह ना करो। अच्छा तुसीं जो मर्जी करो तुहाडी हालत तो है हम अहम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम तुम कतल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। तुसीं उत्थे सानूं लिआउणा चाहुंदे हो नहीं असीं बोलांगे। जदों तक सिख है जिंद है जान है असीं बोलांगे। महाराज ने बाणी च कहा बोल शुद्ध धर्मी रहा मोल पंथधारी रहा। कहिंदे तू चुप करके क्यों बैठ गया समाधियां ला के बैठ के बोल। अज तेरी कौम नूं लोड़ है अज समाज नूं लोड़ है अज हर उस मां नूं लोड़ है जिन्हें अपनी कुख सुनी करवाई इस देश ते कौम दे भले दे लई। अज इह इकट्ठ इह साडी कौम दे जिंदे जागदे होण दा सबूत है। मैं बेनती करां जिहड़े राजभाग दे बैठे ने पदवियां ते कुर्सियां ते चौधर ने ऑफिसर ने तुसीं ध्यान विच रखिओ एक चपेट तुहाडे तों बर्दाश्त नहीं होणी। जिस दिन किसे हक सच दी कमाई वाले दी बचेगी असीं ते गोलियां भी बर्दाश्त करदे असीं तोपां टैंकां नूं भी बर्दाश्त कीता है पर जिस दिन किसे कौमी मर्जी दी चपेट वजी तुहाडे तों बर्दाश्त कोई नहीं होणी। इस लई इस तों पहलां हालात बणन सरकारां समें नूं संभालण इहनां ने जिन्ना बणदा सी उहदे तों वध कट्टिआ वध सहिआ समा है। असीं ते हमेशा ही मैं फिर बेनती कर रहे हैं असीं ते जदों भी समाप्ति करनी है यही शब्द कहने ने नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा कला असरबत दा कला मंगण वाली कौम पूरी फिरदी है। दाता मेहर करें तुहानूं सारिआं नूं चढ़दी कला बख्शे इंसाफ नूं चढ़दी कला बख्शे। असीं आए फली हाँ पर गुरु ते भरोसा सतगुरु दी कला दस्सेगी असीं इत्थों सिंगां दीआं रिहाइयां लै के जावांगे। ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੇਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।